हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यम्मी किचन। आपको पता है मैं आपके लिए क्या लेके आ रही हूँ आज? हेल्दी एंड चटपटा मटर चाट। सो चलते हैं किचन की तरफ। तो चाट बनाने के लिए हमको चाहिए आलू, मटर, कटा हुआ प्याज, चिली सॉस, ऑयल, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, करी पाउडर, नमक, उसको गार्निशिंग करने के लिए कॉर्न मिक्सचर, सेव भुजी, टमाटो केचप, टमारिंड सॉस, चाट मसाला, कॉर्न और थोड़ा सा कटा हुआ कुकुम्बर, ऑनियन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स। अभी हमको डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून। अभी ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हम डालेंगे अभी कटा हुआ प्याज। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसमें हमारा प्याज थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। अभी इसमें हमको डालना है उबला हुआ आलू। फिर इसमें डालना है उबला हुआ मटर। अभी इसको मिक्स करना है। अभी इसमें हम सारे मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा करी पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन एंड करेटा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और टेस्ट के मुताबिक आपको नमक डालना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको मिक्स करेंगे।
आलू को अच्छे से स्मैश करना है। अभी इसमें डालना है हमको चिली सॉस। आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो फिर आप ज्यादा ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। अभी डालेंगे टमाटो केचप। अभी डालना है टमाटर सॉस। इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डालना। दो मिनट के लिए ढक्कन दे देना है। अभी दो मिनट हो गया है। अभी देखिए हमारा चाट अभी धीरे धीरे बन रही है। एक चीज आप ध्यान में रखें, आपको ज्यादा चटपटा बनानी है तो फिर आप यहाँ पे टमाटर सॉस ऐड कर सकते हो, नहीं तो गार्निशिंग टाइम आप दही ऐड कर लो। अभी इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। हमारा चाट बनके रेडी हो गया है। अभी इसको प्लेट को निकाल के गार्निशिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप चैट को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।